को खुश आमदीद कहते हैं। इन मराकज के बच्चों और बच्चियों की हौसला अफजाई, खबरगिरी, तवज्जा और तालीम व तरबियत के लिए हम रब्बुल आलमीन से दस्तबदा है कि वो आपको अपनी रहमतों से नवाजे। जिस कौम और माशरे में आप जैसे साहिब दिल, नेक दिलियत, दर्दमंद, बाशऊर व बाज़मीर अफराद मौजूद हों, उस माशरे और कौम के नादार बच्चों की आला तालीम व तरबियत क्यों मुमकिन नहीं? प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज या सकाफती विरसे का तहफ्फुज़ कौमों के लिए इतना ही अहम है जितना जिस्म के साथ जान का रिश्ता जिंदगी के साथ सांस का होना लाजमी है। जो कौमें अपने कल्चर या सकाफत के साथ जुड़ी रहती है वो दुनिया में अपनी मुनफरिद शनाख्त, पहचान और तखश्शुस की बना पर मौजीज़ और मोहतरम गर्दानी जाती है। और जो कौम या माशरा अपने सकाफती विरसे की हिफाजत में नाकाम रहता है वो अक़वाम आलम में हरगिज़ मौजूद और मोहतरम शुमार नहीं होती। सकाफत सदियों से नस्ल दर नस्ल इन रवायात, तहजीबी अकदार, इल्मी, अदबी, आर्ट, फन और जिंदगी जीने का अंदाज, जुबान वगैरह की आईनादार होती है। हम अगर अपने कश्मीर की बात करें तो ये बेजानना होगा कि ये वादी सकाफती विरसे से मालामाल है। इसकी सकाफत ने इसे दुनिया में तवज्जा का मरकज बनाया। गो के जदीद तहजीब ने यहाँ की सकाफत पर शब व खून मारकर इसे मजरू किया, लेकिन वक्त की यलगार के सामने भी यहाँ की सकाफत के उजले निशान दुनिया की तवज्जा को अपनी तरफ खींचने में किसी से भी पीछे नहीं। हमारी जबान कुश या कश्मीरी मीठी जुबान है। इसका दामन वसी है और इस जुबान की खूबी ये है कि यह हर जुबान के अल्फाज जैसे हिंदी, तुर्की, फारसी, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी और संस्कृत जबानों को अपने अंदर जज़्ब करने का मादा रखती है। गो के हम कश्मीरी जुबान से गफलत बरत कर इसे अपने से जुदा करने की कोशिशों में खुद अपने वजूद को मिटाने के दर पर है। हमारा पहनावा, हमारा लिबास, फरन गैर मुल्की सयाह यहाँ आकर पहनने में फक्र महसूस करते हैं, लेकिन हम हैं कि इस फरन को आप और कोट की शक्ल देकर अपनी सकाफती विरसे के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। कश्मीरी मौसीकी, छकरी, यहाँ का वाजवान, यहाँ की दस्तकारी, यहाँ के शाल, दुस्से, ऊनी चादरें तमाम आलम में मशहूर होने के बावजूद हमारी तवज्जा के मुस्तहक है। हमारे बुजुर्गों के छोड़े हुए अखबार, शायरी, लोकगीत, वनमुन कश्मीरी सकाफत के हीरे हैं। अपनी जिंदा दिली, बातचीत का अंदाज, रवादार या गांग, मुर्बत और वफा यहाँ की अजमतों का वाजिया सबूत है। सवाल ये है कि क्या हम अपने रवायात, तामीरी अदब, शायरी जुबान, लिबास, आर्ट और फन की नादार सकाफत के तायीन मुखलिस या संजीदा है? जवाब होगा कि हम खुद अपनी सकाफती दौलत को जाया करने के रवादार हैं। आखिर पर मैं अलामा इकबाल के शेर पर आपसे रुखसत होना चाहती हूँ। सूरत शमशेर है दस्ते कजा में वो कौम, सूरत शमशेर है दस्ते कजा में वो कौम, करती है जो हर जमा अपने अमल का हिसाब। शुक्रिया। थैंक यू। कव्वाली इज अ म्यूजिक फॉर्म हैज ब्रोकन ऑल लिंग्विस्टिक बैरियर्स।